आरसीआई एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपन हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। देखिए, काव्य शास्त्र आपको मैंने समझाया था, काव्य शास्त्र होता क्या है? देखो, पदविधा का एक व्याकरण होता है, यानी जिसके माध्यम से पदविधा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी संपूर्ण पदविधा को ज्ञान अर्जित किया जाता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत। यानी संपूर्ण काव्य का विधिवत रूप से जानकारी प्रदान करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? काव्य शास्त्र कहलाता है। तो काव्य शास्त्र में हमने 6 अंग बात किए थे। काव्य शास्त्र के 6 अंग होते हैं, अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्ति, ठीक है। तो ये 6 अंग होते हैं जिनसे काव्य शास्त्र का निर्माण होता है। तो अपन ने एक अंग पहले पढ़ चुकी थी, अलंकार का टॉपिक। अब अपन दूसरा अंग लेके चलेंगे, छंद। देखिए, छंद जो रचना है, छंदबद्ध करना यानी काव्य की रचना करना, किसी काव्य का निर्माण करना। देखो, दो प्रकार की काव्य रचनाएं होती है, एक तो होता है छंदबद्ध रचना, छंदों में लिखी हुई रचना, और एक होती है छंदमुक्त रचना, छंदों से मुक्त होकर अपनी काव्य रचना का निर्माण करना। तो दो प्रकार के कवि होते हैं, छंदबद्ध कवि और छंदमुक्त कवि। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छंदमुक्त कवि माने जाते हैं, तो ये छंदमुक्त कवि है। इसी तरह से छंदबद्ध कवि रीति काल के रीतिबद्ध जो कवि थे वो अपने साहित्य विभाजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। रीति काल के रीतिबद्ध कवि छंदों का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में करते थे, इसलिए उनकी रीति थी, अर्थात उनकी परंपरा थी। तो उसी छंद के ऊपर अपन बात करेंगे। छंद होता क्या है, कितने प्रकार के छंद होते हैं, हम कौन कौन से छंदों का अध्ययन करें, ठीक है। क्योंकि अपने जो छंद टॉपिक है, इसके माध्यम से हम अपने काव्य शास्त्र में लिखी हुई जो काव्य रचनाएं, उन काव्य रचनाओं का विधिवत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, छंद शब्द का अर्थ क्या होता है, ये शब्द आया कहां से। तो सबसे पहले बात करें, छंद शब्द संस्कृत भाषा के छत धातु से बना है। धातु क्या होती है? धातु हिंदी में उसको उस मूल शब्द को कहा जाता है जिससे क्रिया निर्मित होती है, अर्थात वह शब्द जिससे अन्य शब्द यानी किसी क्रिया का निर्माण करना, किसी संज्ञा सर्वनाम का निर्माण करना होता है। तो मूल धातु छद से बना है। ये छद धातु संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें असुन प्रत्यय लगाने से, कौन सा प्रत्यय लगाने से, असुन प्रत्यय लगाने से ये शब्द का निर्माण बनता है छंद, ठीक है। असुन एक संस्कृत का प्रत्यय, उस प्रत्यय को लगाने से, छंद मूल धातु में असुन प्रत्यय लगाने से छंद शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए, यह शब्द अनेक अर्थवाची है और अनेक अर्थों को प्रकट करता है। कौन सा शब्द? छंद शब्द, ठीक है। अब इसी के ऊपर बात करते हैं, ये जो शब्द है अनेक अनेकार्थक शब्दों को किस तरह से प्रकट करता है। प्रसन्न करना, फुसलाना, आकांक्षा करना, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिणाम याद करना, ये इस छद शब्द का मूल अर्थ होता है। यानी अलग अलग अर्थ होते हैं इसके, इसलिए अनेकार्थवाची शब्द होता है। इसी कारण से छंद का अर्थ हुआ प्रसन्न करने वाली वस्तु, प्रसन्न करने वाली वस्तु पाठक को अत्यधिक प्रसन्न करती है, कौन? छंद। आच्छादित करती है यानी कि उसे अनेक भावनाओं से आवरण आवरित करती है, बंधन करती है, बंधन में डालती है, अक्षर क्रम विशेष का आदि का बोध कराती है, ठीक है। इस तरह से ये जो छंद शब्द है वो अलग अलग अर्थों को प्रकट करता है, प्रसन्न करने वाली वस्तु, आच्छादित, बंधन, अक्षर क्रम विशेष आदि से लिया जाता है। इसे अभिव्यंजना का एक उपकरण माना जाता है। अभिव्यंजना क्या होती है भाई? अभिव्यंजना होती है किसी अपनी मूल भावनाओं को पाठकों के सामने अभिव्यक्त करना, अर्थात उसको प्रकट करना, वो होता है अभिव्यंजना। तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ कि किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना, आच्छादित करना, बंधन करना या अक्षर क्रम विशेष आदि की जानकारी प्रदान करना। इसे अभिव्यंजना का एक उपकरण माना जाता है, एक साधन माना जाता है। उपकरण क्या होता है? साधन, ठीक है। तो मनुष्य की भावनाओं को प्रकट करने का एक साधन है क्या? छंद। समझ में आ गई होगी बात। अब बात करें छंद होता क्या है या छंद किसे कहते हैं। तो 4 चीजें होती हैं, यति, गति, मात्रा और वर्ण। यति, गति, मात्रा
और वर्ण, इन चारों चीजों से संचित जो रचना होती है, यानी यति, गति, मात्रा और वर्ण, इन चारों से जो संचित रचना होती है, संचित का मतलब होता है निर्माण करना, किसी काव्य का निर्माण करना या अन्य किसी रचना का निर्माण करना। तो छंदबद्ध जो रचना होती है वो यति, गति, मात्रा और वर्ण, इनसे संचित जो रचना होती है उसको छंद कहा जाता है। अर्थात इनका एक निश्चित हिसाब किताब होता है। जिस तरह से एक व्यापारी अपने व्यापार का निश्चित हिसाब किताब रखता है, उसी तरह से छंदों में यति, गति, मात्रा और वर्ण, इन चारों का एक हिसाब किताब होता है। क्योंकि इनका हिसाब किताब डगमगाने से छंद डगमगा जाता है, अर्थात वो रचना छंदबद्ध नहीं मानी जा सकती। ठीक है भाई, अब बात करें छंद के अवयव के ऊपर, यानी छंद के कौन कौन से अवयव होते हैं जिनसे छंद का निर्माण होता है, ठीक है, उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। तो छंद के देखो, एक तो पहला अवयव माना जाता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन या स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सीधी सी बात है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसको मानते हैं? वर्णों को मानते हैं, जिसके हम टुकड़ी नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है। फिर अगला अवयव आता है मात्रा। देखो मात्रा होती क्या है? छंदों में मात्रा स्वर और व्यंजन की जो निश्चित कालावधि होती है, कालावधि होता है समय, कालावधि किसको बोलते हैं? समय को। तो स्वर और व्यंजन के एक निश्चित समय को मात्रा कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, स्वर और व्यंजन दोनों का जब उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है मात्रा, ठीक है, उसको मात्रा कहा जाता है। हिंदी में मात्रा दो प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी, लघु और दीर्घ, ठीक है। लेकिन अपने काव्य शास्त्र की एक भाषा होती है, अपनी एक अलग भाषा होती है। काव्य शास्त्र में बड़ी मात्रा यानी दीर्घ मात्रा को तो क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है, और जो छोटी मात्रा होती है उसको लघु कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो मात्रा क्या होती है? स्वर और व्यंजन की निश्चित कालावधि, कालावधि समय, यानी इन दोनों का उच्चारण करने में लगा हुआ समय, वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब मात्रा दो प्रकार की बताई थी, गुरु और लघु, यानी छोटी और बड़ी। काव्य शास्त्र में उसको गुरु और लघु के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लघु मात्रा का। तो देखो हिंदी में लघु जो वर्ण होते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, ये जो चार वर्ण है, ये चारों वर्ण लघु हैं। अर्थात इनके उच्चारण करने में जो कालावधि लगेगी वो कम लगेगी, ठीक है, इसलिए ये लघु वर्ण होते हैं। यानी लघु वर्ण कहाँ होते हैं? जब किसी स्वर और व्यंजन के उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है, यानी अत्यधिक कम समय लगता है, वहां होती है लघु मात्रा, ठीक है। लघु मात्रा का सिंबल होता है काव्य शास्त्र में, यानी छंदों में, ये खड़ी पाई, खड़ी पाई, ठीक है, खड़ा हुआ डंडा, ये होता है काव्य की भाषा में छंदों की रचना के अंतर्गत लघु मात्रा का सिंबल, अर्थात संकेत। और जब जब हम मात्राओं की गिनती करेंगे तो इस लघु मात्रा की गिनती एक में करेंगे, यानी मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो उनमें मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती करेंगे तो जहां जहां लघु वर्ण आएंगे वहां पर ये सिंबल प्रयुक्त होगा, और इस सिंबल का जो गिनती करेंगे वो एक में करेंगे। समझ में आ गई होगी बात? दूसरी मात्रा होती है गुरु मात्रा। गुरु मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा, ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? गुरु मात्रा। लेकिन अपने काव्य की भाषा में उसको क्या कहा जाता है? गुरु मात्रा, ठीक है, दीर्घ मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। तो स्वर और व्यंजन जिसका निश्चित कालावधि एक अधिक समय लगे, यानी कि सीधी सी बात है, स्वर और व्यंजन का उच्चारण करते समय समय अधिक लगे, लघु वर्णों से अधिक समय लगे, जो लघु वर्ण है, ये चार लघु वर्ण है, इन चारों लघु वर्णों से अधिक समय लगता है, तो वहां कौन सी मात्रा आती है? गुरु मात्रा आती है। जैसे आ, ई, उ, री, ठीक है, ये री, ये संस्कृत भाषा का री है, ठीक है,
इसी तरह से ए आई ओ और औ, ठीक है। इसी तरह से अगला वर्ण है अंग, अंग विसर्ग युक्त वर्ण, ये भी ये गुरु मात्रा होता है। यानी सीधी सी बात है, जो भी स्वर और व्यंजन होते हैं उन स्वर और व्यंजनों में उच्चारण करते समय जब समय अधिक लगे तो वहां गुरु मात्रा होती है। अभी तो मैंने स्वर गिनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से व्यंजन के ऊपर बात करेंगे, आ ई ऊ वी ए आई ओ औ, ये अपने स्वर हैं, ठीक है। ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, अनुस्वार युक्त वर्ण, और ये विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण। तो इन सभी वर्णों की मात्रा कैसी मानी जाएगी, गुरु मात्रा मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय लघु मात्राओं से अधिक समय लगता है, लघु मात्राओं से अधिक समय खर्च होता है, इसलिए इनको गुरु मात्रा कहा जाता है। गुरु मात्रा का जो सिंबल माना जाता है छंदों की भाषा में, वो ये माना जाता है अंग्रेजी भाषा का एस अक्षर, ठीक है, ये माना जाता है गुरु मात्रा का सिंबल। लघु मात्रा का सिंबल खड़ी पाई होता है, जिसकी गिनती हम किस में करते हैं, एक में करते हैं। गुरु मात्रा का सिंबल एस होता है, ये अंग्रेजी भाषा का एस की तरह होता है, और इसकी गिनती हम दो में करते हैं। हमेशा जब जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो गुरु मात्रा की जो बात करेंगे वो गुरु मात्रा जहां पर लगाएंगे उस वहां पर ये सिंबल प्रयुक्त होगा, तो वहां पर उसकी गिनती कितने में होगी, दो मात्राओं में होगी। तो इस तरह से बात की थी हमने मात्राओं के ऊपर। तो मात्रा कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की हुई, लघु और गुरु, ठीक है, लघु और गुरु। ये तो अपने लघु और गुरु मात्रा है, ये लघु और गुरु मात्रा सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंदों में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। इसी तरह से बात करें वर्णों के ऊपर, तो ये वर्ण जो काम आएंगे वो वार्णिक छंदों में आएंगे। जैसे मैंने आपको अलंकार पढ़ाते समय भी बताया था, आदमी की सुंदरता दो रूपों से बढ़ती है, एक तो बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से, ठीक है। यानी बाहरी रूप से हैंडसम नजर आना और एक आंतरिक रूप से सुंदर नजर आना, उसी तरह से हमने जो अलंकार बांटे थे वो अलंकार भी दो भागों में बांटे थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और एक तीसरा बांटा था अपन ने उभय अलंकार। लेकिन अपन छंदों को भी उसी तरह से बांटेंगे, एक तो मात्रिक छंद और एक पढ़ेंगे वाणिक छंद, ठीक है। तो पहले मात्रिक छंद और वाणिक छंदों को पढ़ने से पहले अपन कुछ और बातों और मात्राओं के ऊपर बात करेंगे, यानी मात्रा लगाने का जो नियम है उस नियम के ऊपर चर्चा करेंगे, कहां पर कौन सी मात्रा प्रयुक्त होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम मात्रा उल्टी सीधी लगा देते हैं, जिससे हमारा छंद क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, और जब छंद गड़बड़ा जाएगा तो वो रचना कभी भी छंदबद्ध रचना नहीं मानी जाएगी। इसलिए मात्रिक छंद को पढ़ते समय इन दो मात्राओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन दो मात्राओं को लगाने के कुछ नियम होते हैं, आपको मैं नियम बताऊंगा कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे उन नियमों की पालना करके हमें मात्रिक छंदों को पढ़ना है, ठीक है। यानी मात्रिक छंद किस तरह से लगाए जाते हैं, तो अभी मैंने बताया था चार वर्ण तो ये, यानी चार स्वर तो ये, जिनकी मात्रा कैसे मानेंगे, लघु मानेंगे, और बाकी के जो दीर्घ वर्ण है, सारे के सारे दीर्घ वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण यानी गुरु इनकी मात्रा होगी। इसी तरह से व्यंजनों के ऊपर बात करेंगे तो कुछ नियम है, उन नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो मात्रा लगाने के कुछ नियम उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए मात्रा लगाने के कुछ नियम, कुछ ही नियम बताऊंगा जिनके आधार पर हम मात्रिक छंदों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये नियम आपको ध्यान में रखना है। जब जब छंद पढ़ोगे मात्रिक छंद, तो इन नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला नियम क्या कहता है कि जो संयुक्ताक्षर वर्ण होता है, संयुक्ताक्षर वर्ण, यानी संयुक्ताक्षर वर्ण का मतलब क्या हुआ भाई, सीधा सा बात है, आधा वर्ण, आधा जो वर्ण होता है, आधा वर्ण हमेशा अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु करता है, हमेशा
अपना जो पूर्ववर्ती वर्ण है, पूर्ववर्ती जो वर्ण होता है उस पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु कर देता है। इस तरह से ये अपना पहला नियम लागू होता है। इसी तरह से हम दूसरे नियम के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मात्रा लगाने की पहला नियम कंप्लीट होता है, मात्रा लगाने का ये पहला नियम अपना पूरा होता है, ठीक है। ये मात्रा लगाने के नियम के ऊपर बात कर रहे थे। मात्रा लगाने का नियम यानी मात्रिक छंदों में मात्रा लगाने के नियम के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, तो मात्रा लगाने के नियम के ऊपर बात करते हैं। देखिए कुछ नियम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम अभी मैंने बताया था, आधा जो वर्ण होता है, आधा वर्ण यानी कोई भी संयुक्त वर्ण जो होता है, आधा वर्ण यानी आधे वर्ण की गिनती कोई नहीं होती है, आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है, अर्थात मात्रिक छंदों में आधे वर्ण को कभी भी गिना नहीं जाता है। तो आधा वर्ण की गिनती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका कारण है क्योंकि आधा वर्ण किसी वर्ण के ऊपर बलाघात नहीं करता है। बलाघात का मतलब होता है किसी दूसरे वर्ण के ऊपर बल नहीं देता है, लेकिन आधा वर्ण प्रारंभ में आना चाहिए। जैसे क्या शब्द है क्या, अब क्या में इस वर्ण की कभी गिनती नहीं कर सकते क्योंकि आधा वर्ण है, आधा वर्ण गिनती नहीं होती, आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक मात्रा की गिनती करेंगे या की। लेकिन जब बात आती है संयुक्त वर्ण के रूप में, तो संयुक्त वर्ण जैसे बात करें, संयुक्त शब्द है संयुक्त, संयुक्ताक्षर जो वर्ण है संयुक्त वर्ण यानी आधा वर्ण, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कहने का मतलब आधा वर्ण कहीं पर जुड़ जाता है तो वहां पर वो वर्ण अपने पूर्ववर्ती को गुरु करता है, अपने से पहले वाले वर्ण को गुरु बना देता है। जैसे ये यू है, उदाहरण देखिए, जैसे यू है यहां पर, लेकिन ये यू छोटा है लेकिन आगे आधा वर्ण है, तो देखो ये आधा वर्ण की गिनती नहीं होगी। लेकिन ये हम अगर किसी वर्ण के बाद में आता है, किसी भी वर्ण के बाद में आता है, तो ये अपने पूर्ववर्ती को ही गुरु करेगा, पश्चात वाले वर्ण को गुरु नहीं करेगा। तो देखो यू यहाँ पर छोटा है लेकिन यहाँ पर मात्रा तो क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, आधे वर्ण के वजह से ये मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। अब इसकी गिनती हम करेंगे नहीं क्योंकि ये अपने पूर्ववर्ती को गुरु करता है। अगर किसी वर्ण के प्रारंभ में आता है तो इसकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आधे वर्ण की कभी गिनती होती नहीं है, लेकिन आधा वर्ण किसी भी शब्द के बीच में आ जाता है तो ये हमेशा अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु कर देता है। ये हुआ। फिर तीसरा नियम अपन बात करते हैं, जो दीर्घ वर्ण होते हैं, अभी बताया था जैसे का, की, कु, ठीक है, बहुत सारे वर्ण है, ये सारे जो वर्ण है जो दीर्घ वर्ण होते हैं इनकी मात्रा हमेशा क्या मानी जाती है, गुरु मानी जाती है, इनकी मात्रा हमेशा गुरु ही होगी। इसी तरह से इनके विपरीत छोटी जो वर्ण होते हैं, लघु वर्ण, जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, वहां पर सीधी सी बात है लघु वर्ण यानी उसकी गिनती लघु वर्ण के रूप में करेंगे, ठीक है। अब आगे अगला नियम बात करते हैं, जो र की मात्रा होती है, र, देखो र हमेशा तीन रूपों में सामने आता है, एक तो खड़ी पाई के रूप में, किस रूप में, खड़ी पाई के रूप में, एक शिरोरेखा के ऊपर, किसके ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, और एक आता है ये जो उच्छित वर्ण होते हैं, उच्छित वर्ण टै, दे, ठीक है, थे, इनके नीचे जो रे लगा होता है, इन वर्णों में इस वर्ण की मात्रा हमेशा क्या मानी जाएगी, लघु मानी जाएगी, हमेशा इनकी मात्रा क्या होगी, लघु होगी। तो ये अपने चार नियम हो गए भाई। आधे वर्ण की कोई गिनती नहीं होती है, आधा वर्ण किसी शब्द के बीच में आता है तो हमेशा अपने पूर्ववर्ती को गुरु करता है, पूर्व जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनकी मात्रा गुरु होती है, इसके विपरीत लघु वर्णों की गिनती लघु मात्रा के रूप में होती है। एक है र, र तीन रूपों में सामने आता है, एक तो खड़ी पाई के रूप में, जैसे प्रकाश शब्द है प्रकाश, प्रकाश शब्द में ये जो खड़ी पाई के रूप में
ये रह आ गया, इसकी गिनती लघु में होगी। ठीक है, तो इस तरह से खड़ी पाई में शिरोरेखा के ऊपर उच्छित वर्णों के नीचे लगा हुआ है, इसकी मात्रा क्या मानी जाएगी? लघु मानी जाएगी। ये अपना चौथा नियम कहता है। पांचवा नियम कहता है कि कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण, जैसे कोई वर्ण होता है उसके ऊपर, कोई वर्ण के ऊपर अगर किसी वर्ण के ऊपर अत्यधिक बलाघात होता है, अत्यधिक बलाघात, बलाघात, बलाघात होता है बल प्रदान करना, कोई वर्ण के ऊपर अत्यधिक बलाघात होता है, होता है, वहां पर देखो वो वर्ण कैसा माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। अब देखो भाई, अपने पास तीन स होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के स होते हैं? तीन प्रकार के स होते हैं। एक सलगम वाला, इसको कौन सा स बोलते हैं? तालवी स। इसको कौन सा स बोलते हैं? तालवी स। एक दंती स होता है और एक होता है ये जो मूर्धन्य स है। अब ये जो स है, ये स अत्यधिक बल प्रदान करता है, अत्यधिक बलाघात करता है, तो इसकी मात्रा क्या होगी? गुरु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वर्ण के ऊपर अत्यधिक बलाघात होता है तो वो मात्रा क्या मानी जाती है? गुरु मानी जाती है। समझ में आ गया होगा, ये पांचवा नियम कहता है। इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं अगले नियम के ऊपर। तो छठा जो नियम अपना है वो क्या कहते हैं? छठा नियम देखिए, छठा नियम कहता है भाई, छठा नियम ये कहता है कि अनुस्वार जो युक्त वर्ण होता है, अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण हमेशा उसकी मात्रा क्या मानी जाएगी? गुरु मानी जाएगी। अनुस्वार युक्त वर्ण को हमेशा गुरु कहा जाता है, यानी अनुस्वार युक्त वर्ण को हमेशा गुरु माना जाता है, यानी इसकी मात्रा गुरु में गिनी जाएगी। गुरु मानी जाती है। ठीक है, ये अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है उसकी मात्रा हमेशा गुरु होती है। ठीक है, जैसे अनुस्वार युक्त में संयुक्त शब्द है। अब ये जो संयुक्त शब्द है, इस शब्द का उदाहरण ले रहा हूं मैं, इस संयुक्त शब्द में मात्रा लगानी है तो ये अपने पास सह के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, तो ये मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। ठीक है, अब ये यू है तो ये इस यू की मात्रा लघु होनी चाहिए, लेकिन आगे आधा वर्ण है तो आधे वर्ण की वजह से ये मात्रा क्या होगी? गुरु होगी। अब आधे वर्ण की गिनती करेंगे नहीं। ठीक है, पहला नियम कहता है ये लघु, तो इस तरह से अपने पास कितनी मात्रा होगी? इस सब में, संयुक्त सब में पांच मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई भाई? पांच मात्रा हो गई। यानी इस तरह से मात्राओं की गिनती करते हैं। तो ये उदाहरण है अपने पास। ठीक है, अनुस्वार जो युक्त वर्ण होता है, अनुस्वार युक्त वर्ण हमेशा क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। अगले नियम के ऊपर बात करते हैं, छठा नियम, चंद्रबिंदु युक्त वर्ण। कैसा कैसा वर्ण? चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु युक्त जो वर्ण होता है, चंद्रबिंदु युक्त वर्ण, भाई सीधी सी बात है, चंद्रबिंदु युक्त वर्ण, उस चंद्रबिंदु युक्त वर्ण की मात्रा हमेशा लघु मानी जाती है। जब जब हम छंदों की गिनती करेंगे तो चंद्रबिंदु युक्त वर्ण की मात्रा लघु मानेंगे, यानी लघु के रूप में उसकी गिनती करेंगे। ठीक है, तो ये चंद्रबिंदु युक्त जो वर्ण होता है ये किसी भी वर्ण के ऊपर बलाघात नहीं करता है, किसी भी वर्ण के ऊपर अत्यधिक बल प्रदान नहीं करता है, तो चंद्रबिंदु युक्त वर्ण की मात्रा हमेशा क्या मानी जाएगी भाई? लघु मानी जाएगी। जैसे चांद शब्द है, चांद, चांद शब्द है। अब चांद शब्द में चा की वजह से गुरु है, ठीक है, चंद्रबिंदु की वजह से यहां पर गुरु नहीं आया। अगर चंद होता, चंद, ये चंद होता तो ये लघु ही होता, ये भी लघु होता, क्योंकि चंद्रबिंदु युक्त वर्ण की मात्रा हमेशा क्या होती है? लघु ही होती है। ठीक है, ये अपना सातवां नियम कहता है। आठवां नियम क्या कह रहे हैं? आठवां नियम कहता है भी कि विसर्ग युक्त जो वर्ण होता है, विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण, इसकी मात्रा, विसर्ग युक्त वर्ण की मात्रा क्या मानी जाती है? गुरु मानी जाती है।
विसर्ग युक्त वर्ण की मात्रा हमेशा गुरु मानी जाती है। कैसी मानी जाती है भाई? गुरु मानी जाती है। इस तरह से ये विसर्ग युक्त जो वर्ण होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दुख शब्द है दुख, ये दुख शब्द है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बात करें तो यहां पर लघु होना चाहिए, यहां पर मात्रा कैसी होनी चाहिए? लघु होनी चाहिए, लेकिन लघु नहीं है, यहां पर विसर्ग है। और विसर्ग युक्त वर्ण हमेशा क्या माना जाता है? गुरु, यानी हमेशा गुरु माना जाता है, ठीक है। हमेशा विसर्ग युक्त वर्ण की मात्रा हमेशा गुरु गिनी जाती है। तो ये गुरु और ये लघु, ये विसर्ग युक्त मात्रा हमेशा गुरु युक्त वर्ण मानी जाती है, विसर्ग युक्त वर्ण की मात्रा हमेशा गुरु होती है, ठीक है। ये कुछ नियम थे जो मात्रा लगाने के नियम थे, इनके आधार पर हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब वर्णों की मात्रा नहीं बैठती है, मात्रा 19-20 हो जाती है, अर्थात थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो उस समय आपको वर्ण देखना है कि वो वर्ण किसी के ऊपर बलाघात तो कर नहीं रहा। जैसे अभी मैंने बताया था सवर्ण है, ये सवर्ण कौन सा सवर्ण? ये वाला स, तालवी स है, ठीक है। ये तालवी स है, ये अत्यधिक बल प्रदान करता है, अत्यधिक बल प्रदान करने के कारण इसकी मात्रा अभी मैंने बताई थी क्या होती है? गुरु होती है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी छंद में मात्राओं की गिनती करें तो मात्राओं की गिनती करते समय ये ध्यान रखना है कि वो वर्ण किसी अन्य वर्ण के ऊपर बलाघात तो नहीं कर रहा, अर्थात बल प्रदान नहीं कर रहा, ठीक है। अगर बलाघात कर रहा है तब तो दीर्घ होगा, अर्थात गुरु की गिनती होगी, और बलाघात नहीं कर रहा तो उसकी गिनती हम किस में करेंगे? लघु में करेंगे। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे इन वर्णों के ऊपर। जैसे ट्रक शब्द है, ट्रक शब्द है, एक है ड्रम शब्द, ड्रम। अब इन दो शब्दों में अगर हम मात्राओं की गिनती करें तो कैसे करें भाई? अभी बताया था मैंने चौथे नियम में, रे जो होता है वो तीन रूपों में सामने आता है, एक तो खड़ी पाई में, एक शिरोरेखा के ऊपर, और एक उच्छित वर्णों के नीचे। तो इनकी जो मात्रा होती है वो लघु मानी जाती है। तो ट्रक में ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, इस तरह से मात्राओं की गिनती करते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ नियम बताए थे मात्रा लगाने के, कुछ नियम, इनके आधार पर हम मात्राओं की गिनती करेंगे। अब एक उदाहरण लिखता हूं, उसके आधार पर हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये अपने 8 नियम कंप्लीट होते हैं, इन 8 नियमों को आपको ध्यान में रखना है। एक दो नियम और होते हैं जो आपको मैं जैसे छंद पढ़ाएंगे उस समय आपको बताते चलूंगा, ठीक है। ये तो मोटे मोटे अपने 8 नियम होते हैं। अब एक उदाहरण लिखता हूं, उसमें अपन पढ़ेंगे नियम, यानी मात्रा की किस तरह से नियमों की पालना होती है, उस उदाहरण में अपन चर्चा करेंगे। तो वो उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे कमल हृदय की, जैसे उदाहरण है कमल हृदय की, कमल हृदय की, कमल हृदय की नमन, कमल हृदय की नमन यति, कमल हृदय की नमन यति औस्थाले, औस्थाले, औस्थाले निरापद, निरापद, निरापद कामना एन, कामना अनेक, कामना अनेक, ठीक है। ऊन पापी, ऊन पापी, ऊन पापी प्रयोग स्वर, ऊन पापी प्रयोग स्वर स्वर्ण, स्वर स्वर्ण, 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 ठीक है भाई। इस तरह से स्वावलंबन प्रकृति, स्वावलंबन प्रकृति, स्वावलंबन प्रकृति चांद चंद, चांद चंद,
हंस है, चांद चंद हंस है। अब देखो ये कोई एक उदाहरण लिखा है मैंने, इस उदाहरण में अपन मात्रिक छंदों के ऊपर बात करें यानी मात्रा लगाएंगे, तो देखो किस तरह से लगानी है। आपको मैंने बताया था ये लघु वर्ण, ये लघु वर्ण, ये लघु वर्ण, क्योंकि कमल शब्द में तीनों वर्ण कैसे लघु हैं, जो जिनको उच्चारण करने में अधिक समय व्यर्थ नहीं हो रहा, तो कमल शब्द में तीनों वर्ण है। इसी तरह बात करें हृदय, अब देखो हृदय में है के है आधा है भाई, यहां पर है आधा है और रे भी हृदय, तभी तो हुआ ये री है, सॉरी क्या है री है। अब देखो दोनों मात्राएं, तो दोनों मात्राओं में बात करें तो ये लघु होगा या गुरु होगा, ये कैसा वर्ण माना जाएगा, ये दीर्घ वर्ण माना जाएगा, कैसा वर्ण माना जाएगा दीर्घ, ठीक है, ये लघु ये लघु, ये दीर्घ यानी गुरु, लघु 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 लघु, इस तरह से मात्रा लगाएंगे। औषधालय में गुरु से किसी के ऊपर बलागत कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, औषधालय लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु, इस तरह से लघु लघु गुरु गुरु। अब देखो खड़ी पाई में लगा हुआ रहे, खड़ी पाई में लगा हुआ रहे किसी भी वर्ण के ऊपर बलागत नहीं करता है, तो ये वर्ण कैसा माना जाएगा, लघु माना जाएगा, गुरु लघु। अब आधे स्वर की गिनती नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपना पहला नियम बताया था आधा वर्ण किसी के ऊपर बलागत नहीं करता है, हमेशा अपने पूर्ववर्ती को गुरु करता है, हमेशा अपने पूर्ववर्ती को क्या करता है, गुरु कर देता है, तो इसकी गिनती तो अपन करेंगे नहीं, इसकी करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले कोई वर्ण होता तो उसको गुरु कर देता ही, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी अपन इस वर्ण की गिनती नहीं करेंगे, यहां तक करेंगे, ठीक है, ये से। अब ये वही है, सके नहीं करेंगे, वा ले। अब ये देखो ले लघु है, इधर देखो ये ले लघु है, लेकिन आगे मैं आधा वर्ण है, तो आधा मैं अपने पूर्ववर्ती को गुरु किया कि नहीं किया, तो ये वर्ण कैसा होगा, गुरु हो जाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, मैं की गिनती नहीं होगी, आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है, ये बै की गिनती, ये न की गिनती, ठीक है भाई। अब देखो प्रकृति में बात करें तो खड़ी पाई में लगा हुआ है किसी के ऊपर बलागत नहीं करता है, लघु। अब देखो किसी भी वर्ण के नीचे, ये जो संस्कृत भाषा का री वर्ण है, संस्कृत भाषा का री वर्ण, इसकी मात्रा अगर लगती है, जैसे पृथ्वी है, प्रकृति है, ठीक है, इनमें इसकी मात्रा हमेशा क्या मानी जाती है, लघु मानी जाती है। नवा नियम था, मैंने बताया था ना, कोई उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें आगे के नियमों की जानकारी मिलेगी, तो ये अपना आठ नियम तो पढ़ लिए थे, नवा नियम कहते हैं संस्कृत भाषा का री किसी वर्ण के नीचे उसकी मात्रा लगती है इसकी, तो वो वर्ण कैसा माना जाएगा, लघु माना जाएगा। तो सीधी सी बात है, लघु लघु गुरु लघु, ठीक है। गुरु क्यों हुआ, क्योंकि चा की वजह से, चंद्रबिंदु युक्त वर्ण कैसा होता है, अभी बताया था मैंने, लघु होता है, ठीक है। अब ये लघु ये लघु, अनुस्वार युक्त वर्ण कैसा माना जाता है, गुरु या लघु, गुरु, ठीक है, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु, ये सह बलागत नहीं कर रहा इसलिए लघु, ये गुरु, इस तरह से अपन मात्रा लगाएंगे। तो ये अपने मात्रा लगाने का नियम था, ठीक है, मात्रा लगाने के कुछ नियमों के ऊपर चर्चा की थी। अब आगे बात करें तो अपन छंदों के अवयव पढ़ रहे थे, छंदों के अवयव में अपन ने दो अवयव पढ़ लिए, एक तो क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा, दूसरा अवयव क्या पढ़ा, मात्रा पढ़ी, ठीक है। अब तीसरा अवयव लेके चलते हैं, तीसरा अवयव छंदों का तीसरा अवयव होता है यति, बेटा यति क्या होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यति, यति का मतलब होता है ठहराव, यति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव, ठीक है भाई, यति का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। अब अपन देखो छोटी कक्षाओं में अध्ययन किया था, ये जो चिन्ह होते हैं, ये सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है, अल्प विराम का होता है, किसका होता है, अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग कहां होता है, जब किसी रचना को लिखते समय या कोई लेखक अपनी बात या कोई वक्ता अपनी बात कहते हुए
कुछ क्षण के लिए तैरता है, कुछ समय के लिए तैरता है, लेकिन उस तैरने के बाद पुनः आगे बढ़ जाता है। वहां पर इस अल्पविराम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो वहां पर अल्पविराम का उपयोग होता है। तो बेटा ध्यान रखना, काव्य शास्त्र की भाषा में उसे यति कहते हैं, जबकि हिंदी की भाषा में इस सिंबल को क्या कहा जाता है, अल्पविराम कहा जाता है, कोमा बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में, ठीक है, कोमा। लेकिन अपन बात हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में इस सिंबल को क्या कहा जाता है, अल्पविराम कहा जाता है। लेकिन जब काव्य की बात आती है तो काव्य में इसी को क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल ये होता है, यानी इसका सिंबल यहां होता है। अब ये काव्य की भाषा में भी प्रयुक्त होता है, काव्य की भाषा में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब भाई कोई कवि अपनी काव्य रचना का निर्माण करता है, क्योंकि काव्य जो रचना होती है वो भावनाओं के ऊपर होती है, भावनाओं के ऊपर आधारित होती है, इसलिए कोई कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, तो उस भावनाओं को प्रकट करते समय कुछ क्षण के लिए वो रुकता है, कुछ क्षण के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, वहां जहां रुकता है और फिर रुक कर आगे बढ़ता है। देखो बिल्कुल कुछ क्षण के लिए ही रुकता है और उस क्षण के रुककर और फिर पुनः आगे बढ़ जाता है, वहां पर यति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब काव्य की भाषा में यति जो होती है वो एक निश्चित ठहराव होता है, कवि का एक निश्चित क्या होता है, ठहराव होता है, जो कुछ क्षण के लिए ही होता है, ठीक है। इस तरह से ये होती है यति, यति लगाने का अपना एक निर्धारित स्थान होता है। जैसे मैंने मात्रा लगाने के अभी कुछ नियम बताए थे, मात्रा लगाने के नियम होते हैं, तो एक निर्धारित मात्रा होती है, उन मात्राओं के बाद यति प्रयुक्त होती है, ठीक है। एक निश्चित जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के बाद यति का उपयोग होता है, ठीक है। तो यति क्या होती है, ठहराव होता है, एक निश्चित स्थान पर, एक निर्धारित स्थान पर ही होता है, क्योंकि मैंने छंद में परिभाषा में ही समझाया था, यति गति मात्रा और वर्ण, इन चारों के हिसाब किताब से जो संचित रचना होती है, इन चारों के हिसाब किताब से संचित जो रचना होती है उसको छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। तो यति समझ में आ गई होगी, यति होती क्या है, ठहरा होता है, ठीक है। यानी कोई कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करते समय कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, कुछ क्षण के लिए रुक कर और पुनः आगे बढ़ जाता है, वहां यति का उपयोग होता है। जैसे रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी, ठीक है, रहीमन पानी राखी, यहां पर कुछ क्षण के लिए रुका, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन। तो इस तरह से यति का उपयोग होता है, सुन में आगे बात, ये यति होती है, ठीक है। एक होती है गति, चौथा अवयव आता है गति, चौथा अवयव आता है गति। गति क्या होती है, देखिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, किसी भी चरण को, क्योंकि काव्य में क्या होते हैं, चरण होते हैं, चरण कह दो या पाद कह दो, ठीक है, चरण या पाद, तो किसी भी चरण को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करना, प्रभावशाली तरीके से उसका उच्चारण करना, वो होता है गति, ठीक है। इसके ऊपर अपन अगले आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर।